तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1। अगर आप क्लास 11th यानी मैट्रिक पास कर चुके हो, क्लास 11th के स्टूडेंट हो, इंटर क्लास 11th के स्टूडेंट हो और मिसलेनियस एक्सरसाइज को आप बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके सभी सवाल को जो है कि गहराई के साथ समझ सकते हैं और इस एक्सरसाइज का आप मास्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली, तो इसमें विविध प्रश्नावली का जो है कि जितने भी सवाल हैं सभी का हल है। तो जो भी छात्र क्लास 11 का सीरियली तैयारी करना चाहते हैं तो ये सभी हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहां से आप 11 का सीरियली और संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो देखिए यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका एक ही उद्देश्य है कि ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी समझ सके और मेरा कंटेंट बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्र भी जो 11th की तैयारी करना चाहते हैं लाभ ले सके। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन को देख लिया है। अब देखिए जैसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए आप बैठते हैं तो आप अपना जो है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और जैसे हम बताते जाएंगे अपने कॉपी पर उतारते चलिए और इस प्रकार से आप अपना तैयारी करते चलिए। तो यहाँ पर है कि a बराबर एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू r तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x। तो इसको हम गुणनखंड करके इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं और फिर सेट x सेट a में जो है कि x का मान हम बैठा देंगे। उसके बाद सेट b यहाँ पर आपको दिया है और c आपको यहाँ पर दिया है और d आपको दिया है। तो चलिए इनको हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम एक लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर एक हो गया। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है, सॉल्यूशन हम लिख दिए। लिखने के पश्चात आपको जो इक्वेशन दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वह है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, ये है। तो इसमें एक्स का मान निकालेंगे। देखिए गुणनखंड विधि आप लोग जानते ही हैं, क्लास 10th पास करके आए हैं। तो पहले यहाँ पर 12 देख रहे हैं तो 12 का जो है आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो होगा 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6। 8 पुराना है तो देखिए 8 कैसे पूरेगा, 3 × 2 = 6 और 6 में अगर हम 2 को जोड़ दें तो 6 दू क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे देना है। उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस दे देना है और 8 एक्स है तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इनको हम 8x को कैसे लिखेंगे, 6x माइनस 2x, तो 6 दू क्या हो गया, 8 पुड़ गया ना, ये प्लस है यहाँ पर प्लस देना है, ये 12 है तो यहाँ पर 12 बराबर 0। अब देखिए x हम कॉमन ले लेते हैं, x इसमें से निकाल लिए तो क्या बचा, x ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस बचा। अब इसमें से यहाँ से x निकल गया तो ये 6 बचा, ये माइनस यहाँ पर इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा। अब चूंकि माइनस भी कॉमन लिए हैं तो इस यह जो प्लस है यह यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 12 से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6, तब ना 2 × 6 के यहाँ पर आपको 12 होगा बराबर 0। तो देखिए x माइनस 6 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो ये आपको कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा, ये माइनस बचा, ये 2 बचा बराबर 0। अब देखिए एक्स माइनस 6 बराबर 0 तो इम्प्लाइज एक्स बराबर क्या होगा, माइनस 6 है और बराबर इस साइड जाएगा तो प्लस 6 हो गया। उसके बाद देखिए एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0। उसके बाद देखिए 2 को इधर लाएंगे तो प्लस 2 हो गया, तो एक्स का मान आपको 2 मान निकला, 2 और 6। तो सेट ए में जो अवयव रखा जाएगा, सेट ए में अवयव रखा जाएगा आपको 2, 6 और सेट बी में आपको अवयव दिया है, सेट बी में 2, 4, 6 यानी सेट बी में जो अवयव है 2, 4, 6, सी में अवयव है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट। उसके बाद डी में जो अवयव है वो है आपको 6, इस प्रकार से
यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे सेट आपको दिया है, तो कौन किसका सबसेट होगा? देखिए दो है, दो मिल गया, छो है, छो मिल गया, तो ए जो होगा बी का सबसेट होगा। यानी सबसेट वही होता है अगर ए बी का सबसेट होगा, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो वह सबसेट होता है। सबसेट मतलब हो गया बच्चा। अब यहां पर देखिए दो छो, तो दो छो इसमें मिल गया, तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी, ए सबसेट आप बी लिख सकते हैं। अब देखिए ये वैसे पॉइंट हम हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, लेकिन आप नहीं भी दे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कौन कॉमा देके लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बी का, बी का एलिमेंट किस में है? दो चार छो, दो चार छो, यानी बी का जो है, ये जो बी है सेट बी, इसका प्रत्येक अवयव इस सी में है, इसलिए जो बी जो होगा इसी का क्या होगा? बच्चा होगा, यानी सबसेट होगा। बी सबसेट क्या हो गया? सी। ऐसे हम लिख सकते हैं बी सबसेट आपको हो गया सी। उसके पश्चात यहां पर आप देख सकते हैं और क्या सबसेट बनेगा, दो सबसेट तो बन चुका है, अब तीसरा सबसेट जैसे सी का प्रत्येक अवयव, देखिए सी का प्रत्येक अवयव जैसे दो चार छो आठ, तो दो चार छो, दो चार छो आठ किसी में भी, यानी सी किसी का भी सबसेट नहीं होगा, सी किसी का भी सबसेट नहीं होगा। अब हम ये डी की हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए डी में एक एलिमेंट है छो, जो ए में भी है, यानी डी का जो है एलिमेंट किस में है? ए में, इसलिए डी जो है ए का क्या होगा? सबसेट। इसको हम लिख सकते हैं डी सबसेट ए। अब देखिए चौथा सबसेट जो बनेगा, फिर देखिए डी का एलिमेंट किस में है? बी में भी है, तो इसलिए जो डी जो है बी का भी सबसेट होगा। अब देखिए डी का प्रत्येक अवयव सी में भी है, इसलिए डी जो है सी का भी क्या होगा? सबसेट होगा। सेट हो सकता है क्या? दो छो, तो दो और छो किस में है? सी में भी है, तो देखिए ये जो है, ये जो है सी का भी सबसेट होगा, तो ये सबसेट हम क्या लिख सकते हैं? सी, ये सबसेट सी, ये हो गया। उसके पश्चात और देखिए और कोई मिलेगा बी सबसेट सी, तो बी सबसेट सी हम लिख ही चुके हैं। चलिए इतने सबसेट बनेंगे, यानी आपको छो सबसेट बनेंगे इस सवाल पर। अब क्वेश्चन नंबर जो है दो को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। ये चीज कह रहा है। अब देखिए एक एक सवाल को हम सभी को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो चलिए दो का जो एक है, दो का इनको हम पहले बना लेते हैं। तो यहां पर आपको सत्य असत्य लिखना है, कौन सत्य होगा कौन असत्य होगा। एक में है यदि यदि x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b, तो x a का सदस्य है कौड़ाई की, तो a जो है कि b का सदस्य है, तो क्या x जो है b का सदस्य होगा? ये कथन सत्य है कि असत्य है? देखिए ये कथन जो आपको है असत्य है, असत्य है। यहां पर सॉल्यूशन लिख देना है असत्य है। इनको आप इंग्लिश में फॉल्स लिख सकते हैं, फॉल्स। चलिए इनका हम क्लियरेशन दे देते हैं। अब ये कैसे होगा असत्य? तो मान के चलिए ये जो है आपको x a का सदस्य है, x a का सदस्य है, तो इसका अर्थ हो गया ये जो है x में है, ये हो गया। अब देखिए a belongs to b, यानी a जो है b का सदस्य है, ऐसे b बराबर आप लिखेंगे a, यानी b जो है a का सदस्य है। अब देखिए a का मान क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं कि a का मान क्या है, इस मान को यहां पर आप लिख देंगे, x को लिख दिए। अब देखिए तो कह रहा है कि x belongs to b, x belongs to b, तो यहां पर x belongs to b थोड़े है, यहां पर तो आपको है कि मिडल ब्रैकेट x belongs to b ना होगा, इसलिए ये कथन आपको क्या हो गया? असत्य।
यानी जो अंदर में रहता है, जैसे एक्स है इस अंदर में, देखिए कोष्ट एक के बार ना है तो इसलिए एक्स बिलोंग्स टू ए लिखते हैं। अगर दो बार कोष्ट रहेगा, यहाँ पर कोष्ट रहेगा तो यहाँ पर भी हमको कोष्ट लगाना होता, तो यहाँ पर जो एक्स है इसमें तो कोष्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको कोष्ट लगा होना चाहिए था जो कि सवाल में नहीं है, तो इसलिए ये कथन आपको असत्य है। फिर इनका दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल इस प्रकार से है, यदि यदि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी तथा तथा बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी, ये चीज है। तो यहां पर आप देखिए बी बिलोंग्स टू सी है तो ए बिलोंग्स टू सी ये कह रहा है, ये कथ्य है। देखिए ये आपको फॉल्स होगा, ये आपको फॉल्स होगा, यहां पर आपको लिख देना है फॉल्स। अब देखिए फॉल्स कैसे होगा, जैसे ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी, तो यहां पर हम एक उदाहरण देंगे, मान लेते हैं कि एक सेट ए है, इसमें जो अवयव है वो एक है, उसके बाद कह रहे कि बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी। अब चूंकि देखिए ए सबसेट क्या है, बी है, तो बी में आप अवयव ले लीजिए, हम एक और दो ले लेते हैं। तो देखिए ए का प्रत्येक अवयव यानी एक है तो बी में भी एक है, तो यानी ए सबसेट क्या हो गया, बी सबसेट यही होता है, सबसेट मतलब क्या हो गया बच्चा हो गया। अब देखिए क्योंकि ए जो है ए का अवयव बी में समा रहा है तो इसलिए ए जो है बी का सबसेट होगा, देखिए, और बी को हम ए का सबसेट नहीं कह सकते हैं, क्यों, तो बी को ए का सबसेट कहेंगे तो दो इसमें होना चाहिए था, दो नहीं है। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को हम बी का सबसेट कहते हैं, यानी ए कहलाता है जिसका अवयव सब अवयव जिस सेट में होगा तो कम अवयव वाले वह क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। कभी कभी अवयव बराबर भी होते हैं तो ए जो है बी का सबसेट होगा। अब कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सी ये कह रहा है। तो यहां पर आपको करना क्या है, तो यहां पर देख सकते हैं कि एक से और क्या है कि बी बिलोंग्स टू सी, इसका अर्थ है सी बराबर क्या होगा बी का, जो ये अब बी क्या है अवयव है ना, तो ये मिड ब्रैकेट के अंदर में बी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये बी का मान है इसको रख दीजिए, वन टू है यहाँ पर हम रख दिए, ये बी का मान जो है यहाँ पर रखा गया। रखने के पश्चात अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू सी, तो ए में अवयव क्या है एक है, ए में अवयव एक है, तो ए बिलोंग्स टू सी का अर्थ हो गया, ए बिलोंग्स टू सी का अर्थ हो गया कि देखिए सी बराबर हो जाएगा ऐसे ए, ए में अवयव क्या है ये एक है, तो ये मिडल ब्रैकेट के अंदर में ऐसे एक होना चाहिए था, ऐसे एक होना चाहिए था, क्या ऐसे है, नहीं है, मिडल ब्रैकेट के अंदर में आपको एक और दो है लेकिन सिंगल एक होना चाहिए था, नहीं है, तो इसलिए ए बिलोंग्स टू सी जो है ये आपको कभी भी नहीं होगा, इनको आपको नहीं लिखना है, समझाने के लिए हम दिए थे। तो ए बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सी संभव नहीं है, यहां पर लिख देना है संभव नहीं है, इसीलिए ए क्या होगा डज नॉट बिलोंग्स टू सी होगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी होगा, तो इसलिए ये जो आपको कथन है ये असत्य है। अब इसके देखिए तीसरे नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि ए सबसेट बी, बी सबसेट सी तो ए सबसेट सी, ये क्वेश्चन नंबर तीन है, आप लोग अपने कॉपी पर उतार लीजिए या बुक को खोल के रखिए। तीसरे नंबर का सवाल इनका क्या है, तीसरे नंबर का सवाल ए सबसेट बी, ए सबसेट बी तथा बी सबसेट सी तो ए सबसेट सी ऐसे है। कह रहा है कि यदि ए बी का उपसमुच हो, बी सी का उपसमुच हो,
तो ए सी का उपसमुच होगा। क्या ये सत्य है? देखिए ये जो आपको है सत्य है, ये आपको क्या हो गया सत्य, ट्रू सत्य है। अब देखिए सत्य हो जाता है तो इनको क्या करना होता है, प्रूफ करना होगा। प्रूफ तो हम करते हैं प्रूफ, तो यहां पर प्रूफ लिख दीजिए। लिखने के पश्चात मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a, यानी x जो है a का क्या है सदस्य है, मान लीजिए कि x a का सदस्य है। अब देखिए तो b सबसेट c है यानी a सबसेट b है, तो इसीलिए आपको क्या लिखना होगा x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b, क्योंकि में लिखिए। अब x बिलोंग्स टू b क्यों होगा, क्योंकि a सबसेट b है यानी a का प्रत्येक अवयव b में है। तो a का अवयव x, a का अवयव क्या है x, यानी x a में है और a का अवयव b में है, तो इसलिए x b का भी अवयव होगा। तो यहां पर लिखना है a सबसेट b, तो a सबसेट b लिख दिए। अब देखिए नाउ यहां पर आप लिख दीजिए नाउ, अब x बिलोंग्स टू क्या हुआ, b हुआ, x बिलोंग्स टू b यानी x जो है b में है, तो इसीलिए इसीलिए आपको x बिलोंग्स टू c होगा, x बिलोंग्स टू c, क्यों, क्योंकि b का प्रत्येक अवयव c में है, तो x b में है, तो इसलिए x किस में होगा c में, ऊपर में कंडीशन आपको दिया हुआ है। चूंकि मैं लिख दीजिए कि b सबसेट c, ये ऐसे लिख दिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि x a का भी सदस्य है और x c का भी सदस्य है, तो इसलिए a सबसेट क्या होगा c, a सबसेट c होगा निश्चित रूप से। तो यहां पर आप लिख दीजिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, इसीलिए a सबसेट b। तो ये जो कथन आपको दिया है ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये आपको ट्रू हो गया। अब इनके चौथे नंबर का जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर चार है यानी दो का चार, यह कह रहा है कि a डज नॉट सबसेट b। यहां पर देख सकते हैं a, यदि a डज नॉट सबसेट b तथा b डज नॉट सबसेट c, तो a डज नॉट सबसेट c, ये कथन सत्य है या असत्य है। अब देखिए इनको पहले हम लिख लेते हैं, इनको हम लिख लेते हैं, तो ये आपको a डज नॉट सबसेट b है, इफ a डज नॉट सबसेट b, उसके बाद फिर है एंड b डज नॉट सबसेट c, देन a डज नॉट सबसेट c, यानी ये जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। तो यहां पर सॉल्यूशन लिख देते हैं, ये देखिए ये कथन जो है ये आपको फॉल्स है, असत्य है, फॉल्स फॉल्स। अब देखिए कैसे है, एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहा है कि ए बी का सम, ए बी का उपसमुच नहीं है यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है, इसमें एक अवयव एक है, एक सेट हम मान लेते हैं बी है, बी है, तो इसमें हम अवयव मान लेते हैं दो तीन है। अब देखिए एक सेट सी भी है, सी में मान लेते हैं हम एक तीन और चार, ये मान लिए। अब देखिए कह रहा है कि ए डज नॉट सबसेट बी, तो ए का जो है अवयव बी में नहीं है, ए का अवयव बी में नहीं है, तो यहां पर लिखना है कि वन डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसीलिए ए डज नॉट सबसेट क्या हुआ बी। अब एंड, अब देखिए बी में दो तीन अवयव है, तो तीन तो सी में है लेकिन दो जो है सी में नहीं है, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा बी डज नॉट सबसेट सी होगा। बट अब देखिए ए का जो अवयव है ए में अवयव एक है और देखिए सी में भी एक है, यहां पर सी में भी एक है, तो इसलिए ए सबसेट अब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ए सबसेट सी, ए सबसेट सी।
तो लेकिन यहाँ पर डज नॉट सबसेट सी दे दिया है, इसलिए कथन फॉल्स हो गया। ये जो है कट का निशान नहीं होना चाहिए था, अगर कट का निशान नहीं होता तो ये आपको क्या होता, ट्रू होता। अब चलिए पांचवें नंबर का जो इनका सवाल है, पांचवें नंबर का सवाल कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स जो है ए का सदस्य है, तथा ए डज नॉट सबसेट बी, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, तो एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स जो है बी का सदस्य होगा, ये चीज कह रहा है। तो अब इनको भी हम देखते हैं ये सत्य होगा कि असत्य होगा। तो यहां पर है कि ए एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एंड ए डज नॉट सबसेट बी, ए डज नॉट सबसेट बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहां पर आप देखिए कि एक्स ए का सदस्य है लेकिन ए जो है बी का सबसेट नहीं है। यदि एक्स ए का सदस्य है और ए बी का सबसेट नहीं है तो इसलिए एक्स जो होगा बी का सदस्य नहीं होगा। तो ये जो कह रहा है कि एक्स ए का सदस्य हो और ए बी का सबसेट नहीं है तब एक्स बी का सदस्य होगा, कथन ये पूछ रहा है। तो एक्स बी का सदस्य होगा ये नहीं होगा, यहाँ पर डज नॉट, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी होना चाहिए था लेकिन डज नॉट नहीं है, इसलिए ये कथन आपको फॉल्स हो गया। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा इसमें आपको लिखना है फॉल्स, ये कथन आपको हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल इनका देना है। मान लेते हैं कि सेट ए है, सेट ए है, इसमें अवयव जो है एक है, एक सेट बी है, एक सेट बी है, इसमें अवयव क्या है, दो तीन है, ऐसे मान लिए। अब देखिए तो वन बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए, वन बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर देखिए ए डज नॉट सबसेट बी, क्योंकि वन जो है बी में नहीं है, एक जो है बी में नहीं है, तो इसलिए ए डज नॉट सबसेट क्या हो गया, बी। तो देखिए वन ए में है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो देखिए वन कभी भी बी का अवयव नहीं होगा, क्योंकि एक्स के स्थान पर क्या लिए, वन। देखिए वन बिलोंग्स टू ए हो गया, ए डज नॉट सबसेट बी हो गया, तो देखिए वन जो है वन बिलोंग्स टू बी होगा, वन देखिए एक बी में है नहीं है, यहाँ पर डज नॉट लगेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर डज नॉट होता है जो कि नहीं है, इसलिए आपको ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया ये कथन। अब छठे नंबर का जो सवाल है यह कह रहा है इफ इफ ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी तथा तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कह रहा है कि यदि ए बी का उपसमुच हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तथा एक्स जो है बी का सदस्य नहीं है, तब एक्स ए का सदस्य नहीं होगा। तो देखिए ये कथन आपको क्या होगा, ये आपको ट्रू होगा, ये कथन आपको ये ट्रू होगा। अब देखिए क्यों ट्रू होगा, तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। एक सेट हम ए ले लेते हैं, ए ले लिए, इसमें हम मान लेते हैं एक और दो अवयव है, और एक सेट हम बी ले लिए, इसमें हम मान लेते हैं एक दो तीन अवयव हैं। तो देखिए ए सबसेट बी है, तो एक दो एक दो, तो ए सबसेट आपको क्या हो गया, ये बी हो गया, ये सबसेट बी हो गया। अब देखिए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स अब एक्स जो है बी का सदस्य नहीं है, तो एक दो तीन, एक दो तीन देखिए बी का सदस्य तो है ही, लेकिन एक्स डज नॉट, यानी एक्स के स्थान पर एक मान ले लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट मतलब माना कि चार जो है बी का सदस्य नहीं है, चार बी का, देखिए चार इसमें है बी में नहीं है, जिसको हम लिख सकते हैं चार बी का सदस्य नहीं है। तो देन अब देखिए
चार जो है ए में है नहीं है, तो इसलिए अगर ए सबसेट बी दिया रहे और एक्स बी का सदस्य नहीं हो तो एक्स जो होगा ए का भी सदस्य नहीं होगा। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि चार बी का सदस्य नहीं है तो चार ए का भी सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये कथन आपको क्या है, ट्रू है। अब यहां पर आपको जो है कि इस तीन पर नहीं जाना है क्योंकि ए सबसेट बी है तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा, इन तीन से आपको लेना देना नहीं है। यहां पर इसी प्रकार से ये आपको क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बी और सी ऐसे समूह हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। तो आपको सिद्ध करना है बी बराबर सी, तो करते हैं सिद्ध। तो यहां पर आपको लिख क्या लेना है, जो सब दिया है उनको आप लिख लीजिए। तो यहां पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर तीन लिख लीजिए और लिख देना है गिवन दिया है, क्या दिया है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, इनको समीकरण एक मान लीजिए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, इनको समीकरण दो मान लेना है, ये भी आपको दिया है। अब देखिए देन सो डेट, तब आपको दिखाना है बी बराबर सी, ये चीज आपको जो है दिखाना। देखिए प्रूफ करेंगे तो हम यहां पर प्रूफ लिख देंगे, लिख दिए। तो यहां पर आपको लिखना है गिवन इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ये चीज आपको दिया है। अब यहां पर देखिए ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दिया है, तो यहां पर आप लिख दीजिए ए यूनियन बी। अब आपको पुराना क्या है, बी बराबर सी, तो इसलिए इंटरसेक्शन में बी लीजिए, इंटरसेक्शन बी आपको बी बराबर सी पुराना है, बी बराबर सी, तो इसलिए इंटरसेक्शन में आपको बी लेना होगा बराबर। अब क्या है, ये बराबर हो गया, ये यूनियन सी है, ए यूनियन सी ऐसे लिख दीजिए। देखिए चूंकि इंटरसेक्शन में बी लिए हैं तो यहां पर भी इंटरसेक्शन में बी लेना होगा, यानी जो प्रोसेस यहां करेंगे वही प्रोसेस आपको यहां भी करना है, सेम प्रोसेस जब आप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी है, ए और बी को हम मिला रहे हैं, इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये आपको बी ही प्राप्त होगा, इनके बराबर आपको बी ही होता है, ये प्रॉपर्टी ही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर बी होता है, ये बराबर लिख देंगे। अब देखिए इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, अब देखिए इंटरसेक्शन बी है तो एक बार जो है ए बी के साथ ऑपरेट होगा, ए हो गया, ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख देना है, ये बी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, एक बार ए के साथ ऑपरेट हुआ है। अब देखिए ये बीच में क्या है, यूनियन है तो यहाँ पर आपको यूनियन देना होगा, ए बी के साथ ऑपरेट हो चुका है, अब सी जो है बी के साथ ऑपरेट होगा तो यहाँ पर आपको लिखना है सी इंटरसेक्शन बी, ये आप लिख दिए। लिखने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको सही से हम और लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बी को हम पहले लिख लेंगे सी को हम बाद में लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी ऐसे लिख दिए। अब देखिए इनका मान यही हुआ क्योंकि मैं आप यहां पर लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, अब देखिए इनको हम एक्सपेंड करेंगे तो बारी बारी से इतना होता है, इनको हम पहले प्रूफ भी कर चुके हैं थ्योरी में। अब देखिए ये ऐसा क्यों हो जाता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर x प्लस y, x प्लस क्या है y,
समझिए कि यूनियन के बदले में प्लस है, ये जो इंटरसेक्शन है इनके बदले में गुना क्या है, दो दे दिए, तो हम क्या लिखेंगे? अब देखिए एक्स गुना दो, यानी एक्स गुना दो ये प्लस है, तो बीच में क्या देंगे? प्लस। फिर वाई गुना क्या देंगे? दो। वाई गुना दो, ऐसे लिखेंगे। देखिए इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, यानी यहाँ पर बीच में प्लस था तो बीच में प्लस आ गया, तो यहाँ पर यूनियन है तो बीच में यूनियन आएगा, और ये दोनों के साथ यहाँ पर गुना था तो गुना आया, तो उसी प्रकार से इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा। ये आपको क्या हो गया बी। अब देखिए इनको हम पहले लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को हम पहले लिख लिए यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी बराबर बी, ये समीकरण क्या हो गया? एक हो गया। अगेन यहाँ पर लिख देना है अगेन, तो अगेन में देखिए यही है कि ए यूनियन बी, इक्वेशन फर्स्ट से ही लेना है, अगेन इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन फर्स्ट से ही लेंगे। ए यूनियन बी बराबर क्या है? ए यूनियन सी, ये चीज है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर बी लिए थे बी, अब आपको b बराबर सी साबित करना है, तो इसलिए आप इंटरसेक्शन में क्या लेंगे? a यूनियन b है तो a यूनियन b ऐसे लेंगे, और इंटरसेक्शन में आप क्या लेंगे? c ले लिए। फिर a यूनियन c है, a यूनियन c यहाँ पर देंगे ही, इंटरसेक्शन में c ले लेंगे, तो इंटरसेक्शन में c आपने ले लिया। अब देखिए तो इनको हम पुनः एक्सपेंड कर देते हैं, जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार। देखिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये सी है तो एक बार ए के साथ ऑपरेट होगा, ए इंटरसेक्शन क्या हो गया? सी। अब बीच में यू है तो बीच में यू रख देना है, रख दिए। अब सी जो है बी के साथ ऑपरेट होगा, तो बी ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, ये सी है तो यहाँ पर सी, ये बराबर है तो यहाँ पर बराबर। अब देखिए ए और सी को मिलाएंगे, ए और सी को मिला दिए, इंटरसेक्शन सी करेंगे तो आपको सी ही प्राप्त होगा। इनका फॉर्मूला ये होता है, इसलिए होता है क्योंकि ए और बी को मिला दिए, अब सी सी रहेगा, तो सी का प्रत्येक अवयव ए यूनियन सी में होगा ही, तो कॉमन एलिमेंट में सिर्फ सी का ही अवयव आएगा, इसलिए ये जो आपको होगा सी के बराबर होगा। डायरेक्ट ही याद कर लीजिए, ये इनका फॉर्मूला होता है। ये जो ए इंटरसेक्शन सी है इनको आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, लिख लिए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर लिख देंगे बराबर सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी के बदले में ए इंटरसेक्शन बी हम क्यों लिखे, ये आपको हिसाब में ही दिया है समीकरण दो में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सवाल में ही है, इतना ये बराबर होता है। यहाँ पर क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन सी जो होता है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, इसीलिए आप यहां पर जान सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के बदले में हम ए इंटरसेक्शन सी के बदले में हम ए इंटरसेक्शन बी यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देना है कि ए इंटरसेक्शन सी बराबर, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हो गया। इनको आप समीकरण दो मान लीजिए, समीकरण दो मान लीजिए, आप समीकरण एक एवं दो से इक्वेशन वन एंड टू तो देखिए ये मान और ये मान आपस में बराबर है, इसलिए b बराबर क्या होगा? c। b बराबर c, ये आपको क्या हो गया? टू। यही प्रूफ करना था आपको, जो हो चुका है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, इनको आप पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि दिखाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य है। तुल्य मतलब क्या? एक दूसरे से तुलना की जा सकती है, यानी तुल्य कब होता है? जब ए सबसेट बी होता है, यानी जब संबंधित होता है एक दूसरे से। तो यहाँ पर फर्स्ट में है कि ए सबसेट बी, चार के एक में है ए सबसेट बी, तो यहाँ पर आपको लिखना है ए सबसेट बी
ये सबसेट पी का मतलब हो गया कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ये सबसेट बी का अर्थ होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तो देखिए a माइनस b बराबर क्या होगा, फाइव होगा, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है। तो a में से b घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट a हो, इसमें आपको एक दो अवयव है, a का प्रत्येक अवयव किस में है, b में है, तो b हो गया एक दो तीन। a माइनस b एक दो में से आप b को घटाएंगे, एक दो तीन इनको घटाएंगे। तो देखिए वन है माइनस है वन, ए का प्रत्येक, तो देखिए वन टू इसमें है कि नहीं है, वन में से वन गया, ये कैंसिल हो गया, टू है, ये टू भी खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस तीन को कभी भी नहीं रखना है। अगर ए में से बी घटता है तो सिर्फ ए का ही अवयव होता है जो कट के बचता है, यानी तो इसलिए देखिए ए में तो एक भी अवयव नहीं बचेगा, ये दो गो अवयव है, दो गो अवयव से मिल ही गया, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, फाइव। इसलिए ए माइनस बी बराबर क्या होगा, फाइव हो गया। तो देखिए एक जो होगा क्वेश्चन, एक जो है वो तुल्य है आपको क्वेश्चन दो, क्योंकि क्वेश्चन दो में है कि ए माइनस बी बराबर फाइव। देखिए ए माइनस बी बराबर फाइव, इसलिए क्वेश्चन एक जो है दो के क्या होंगे, तुल्य होंगे। तो प्रतिबंध फर्स्ट और प्रतिबंध दो के क्या है, तुल्य। अब क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो है कि a माइनस बी बराबर फाइव, ए में से अगर आप b को घटाते हैं तो क्या होता है, फाइव होता है, यानी a माइनस बी का अंतर समूह फाइव है। इसका अर्थ हो गया कि a का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है। तो इसलिए ए माइनस बी बराबर क्या हुआ, फाइव हुआ। अब देखिए जब ए माइनस बी बराबर फाइव हो तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, आपको बी होगा। अब यहां पर एग्जांपल ये जो लिए हैं इसी में देखिए, अगर ए यूनियन हम बी करते हैं, ए यूनियन बी मतलब हो गया कि ए और बी के अवयव को मिला देंगे, तो मिलाइए तो एक दो तीन आएगा ना, और एक दो तीन किसके बराबर होगा, बी के बराबर क्या हो गया, बी। इसलिए ए यूनियन बी बराबर बी। तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर तीन में दिया था, क्वेश्चन नंबर तीन में था कि ए यूनियन बी बराबर बी, ये क्या हो गया, तुल्य हो गया। तो ये जो आपको प्रतिबंध दो है ये किसके तुल्य है, किसके बराबर हो गया है, वो तीन के बराबर हो गया है। अब प्रतिबंध तीन यानी क्वेश्चन नंबर चार का तीन, इसमें दिया है ए यूनियन बी बराबर आपको बी दिया है। तो कह रहा है अब देखिए ए यूनियन बी बराबर बी है तो इसीलिए आपको क्या होगा, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया, बी। इसलिए ए सबसेट क्या हो गया, बी। अब देखिए ए सबसेट बी, तो ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में, तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको क्या होगा, ए। इंटरसेक्शन में जो जैसे ए और बी, यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ए और बी है, इनका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए एक दो इसमें भी है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो एलिमेंट कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं, इसलिए एक दो इसमें लिखा जाएगा। और ये देखिए किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, क्योंकि ए में ही एक दो है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, आपको ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको क्या हो गया। अब देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर तीन जो है ये किसके तुल्य हो गया, वो क्वेश्चन नंबर चार के तुल्य हो गया। आप क्वेश्चन नंबर पांच देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच में है कि दिखाइए कि यदि ए सबसेट बी तो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। तो कह रहा है कि ए सबसेट बी आपको दिया है,
तब आपको दिखाना है सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए। चलिए इनको हम क्या करते हैं, प्रूव कर लेते हैं। फाइव यहां पर हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव गिवन, आपको दिया है ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तो टू प्रूव, टू प्रूव। ये आपको दिखाना है सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए, तो यहां पर आपको लिखना है प्रूफ। ऐसे लिख दिए, लिखने के पश्चात यहां पर मान लेना है, लेट मतलब माना कि एक्स जो है, एक्स जो है वो आपको सी माइनस बी का सदस्य है, एक्स जो है सी माइनस बी का सदस्य है। तो यहां पर देखिए, यदि सी माइनस बी का सदस्य है तो एक्स सी का सदस्य होगा लेकिन बी का सदस्य नहीं होगा, इसका अर्थ यह हुआ। तो या करके आप यहां पर लिखेंगे कि एक्स जो है सी का सदस्य है, एंड आप लोग हिंदी में लिखना चाहेंगे तो तथा, देखिए सी में से बी घट रहा है तो एक्स बी का सदस्य नहीं होगा, तो यहां पर लिखना है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये आपने लिख दिया, इतना आपने जैसे ही लिखा, अब यहां पर इसको पुनः उतार दीजिए, एक्स बिलोंग्स टू सी लिख देना है, लिख दिए। ये एंड है तो यहां पर आप एंड लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए एक्स ये डज नॉट बिलोंग्स टू, यहां पर ए लिखिए। अब ए हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपके सवाल में दिया है कि ए सबसेट बी है, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, बी में है। तो इसलिए एक्स यदि बी का सदस्य नहीं है तो एक्स ए का भी सदस्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए सबसेट बी आपको जो है कि ये सवाल में ही दिया है। अब देखिए, देखिए एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी था तो एक्स सी का सदस्य हुआ था और एक्स बी का सदस्य नहीं हुआ था, तो इस फॉर्म को हम इस प्रकार से लिखे थे, तो इसी प्रकार से इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी, और देखिए एक्स जो है ए का सदस्य नहीं है तो यानी माइनस ए, तो बी था तो यहाँ पर बी दिए थे, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए घटेगा, ये हो गया। अब देखिए इसीलिए आप लिख सकते हैं कि सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए, क्यों, क्योंकि सी माइनस बी में भी एक्स ही है और सी माइनस ए में भी एक्स ही है, तो दोनों में अवयवों की संख्या सेम ही है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। तो ये आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर आप लोगों को परेशानी कोई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी पूछ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर छः क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर छः को हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि पी ए बराबर पी बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। कह रहा है कि पी ए पी बी के बराबर है तो सिद्ध कीजिए ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। नंबर छः में जो दिया है पहले उनको लिख लीजिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर छः, लिख लिए क्वेश्चन छः हो गया। अब आपको दिया क्या है, जो दिया है उनको हम गिवन कर लेंगे, गिवन। तो दिया है पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। अब देखिए पी ए क्या होता है कि पावर सेट ऑफ ए, और पी बी होता है पावर सेट ऑफ बी। तो ए का घात समूच और बी का घात समूच आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए सो डैट ए बराबर बी, अब यहां पर आपको क्या लिखना है, प्रूफ, लिख दिए। अब यहां पर आप मान लिए कि माना कि एक्स जो है ए का सदस्य है, मान लिए कि एक्स किसका सदस्य है, ए का सदस्य है, और पुनः माना, और जो है पुनः हम मान लिए कि एक्स जो है ये कैपिटल एक्स, ये जो है ए का क्या है, सबसेट है, कैपिटल ए का क्या है, सबसेट है। अब देखिए तो यहां पर आपको है किया कि पी ए, पी ए तो एक्स ए का सदस्य है और एक्स ए का क्या है, सबसेट है। अब यहां पर आप लिखिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज
एक्स सबसेट ए। अब देखिए एक्स ए का सबसेट है तो ये जो कैपिटल एक्स है वो पी ए का अवयव होगा। ये कैपिटल एक्स क्या होगा? अवयव। अवयव को दर्शाने के लिए ये आप बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे, यहां पर लिखेंगे पी ए। पी ए देखिए यहीं पर क्या हुआ, बदल गया, एक्स ए का सबसेट है, कहने का अर्थ हो गया कि एक्स का प्रत्येक अवयव ए में है, लेकिन ये जो ए होता है ए, इनके जितने भी संभव सबसेट होते हैं वह पावर सेट ए का क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसलिए हम एक्स बिलोंग्स टू पी ए लिखेंगे, क्योंकि एक्स जो है ए का क्या है? सबसेट है। तो इसलिए एक्स पी ए सेट के अंदर होगा, घास समूह के अंदर होगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये एक्स यहां पर उतार दीजिए, ये बिलोंग्स टू कर दीजिए। अब यहां पर देखिए पी ए है और आपको सवाल में दिया है पी ए बराबर पी बी, तो इस पी ए के बदले में आप पी बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको दिया है पी ए बराबर पी बी, आपके सवाल में ही है, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए तो एक्स जो है पी बी का क्या हो गया? सदस्य हो गया। एक्स पी बी का सदस्य हो गया, लिख दीजिए एक्स सबसेट हो गया आपको बी। एक्स सबसेट क्या हो गया? बी। अब देखिए तो एक्स सबसेट ए का है, तो एक्स ए का सदस्य है, तो देखिए ये कैपिटल एक्स का भी सदस्य होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू बी क्यों? क्योंकि यहां पर था कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसलिए एक्स बिलोंग्स टू हम क्या लिखेंगे? बी, क्योंकि पी ए बराबर क्या है? पी बी हो गया। तो देखिए एक्स ए का सदस्य है और एक्स बी का सदस्य है, तो आप इसे लिख सकते हैं ए सबसेट बी, इनको समीकरण एक मान लीजिए, मान लिए। उसके बाद अब देखिए अगेन लेट देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं ताकि आप लोगों, चाहे हिंदी मीडियम को हो या इंग्लिश मीडियम को, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इसको जो हम लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे इंग्लिश में, लेट वाई बिलोंग्स टू बी। अब देखिए ए का जो है काम हम कर लिए हैं, यहां पर देख सकते हैं ए का काम हम कर लिए हैं, इसलिए अब हम बी का जो है काम करेंगे। तो लेट वाई बिलोंग्स टू बी एंड अगेन लेट कैपिटल वाई सबसेट बी, ये मान लिए। कैपिटल वाई जो है वो बी का क्या है? वो आपको सबसेट है। देखिए आप चाहे तो यहां पर इक्वल टू भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहां पर भी आप कर सकते हैं, चाहे तो यहां पर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको करना क्या है, अब मान ही लिए हैं कि y क्या है? b का सबसेट है, यानी y का प्रत्येक अवयव किस में है? b में है। तो यहां पर आपको लिखना है y बिलोंग्स टू b इंप्लाइज कैपिटल y सबसेट b इंप्लाइज। अब देखिए y b का क्या है? सबसेट है, तो इसलिए ये जो कैपिटल y होगा वह पावर सेट बी का सदस्य होगा, जैसे कि ऊपर हम किए थे इसमें। अब देखिए वाई जो है पावर सेट बी का सदस्य है, तो देखिए वाई बिलोंग्स टू पी बी। पी बी के बदले में आप लिख सकते हैं पी ए, आपके सवाल में दिया है पी ए बराबर पी बी, इसलिए आप लिख सकते हैं पी बी। लिख लिए, लिखने के पश्चात यहां पर आप देखिए कि वाई जो होगा अब ए का सबसेट होगा, y a का सबसेट होगा। अब y a का सबसेट है तो स्मॉल y जो होगा वो a का क्या होगा? अवयव होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं y b का सदस्य है और y a का सदस्य है, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि b सबसेट a। ये समीकरण आपको क्या हो गया? दो। तो देखिए समीकरण एक में आपको क्या है? समीकरण एक में है a सबसेट b, और समीकरण आपको जो है b दो में है, दो में बी सबसेट ए। तो समीकरण एक एवं दो से ए और बी आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? तो हमने जो
आप लोगों को पढ़ाए थे सबसेट का प्रॉपर्टीज, उसमें क्या था कि ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो, तो ऐसा तब ही संभव होता है जब ए और बी दोनों में क्या हो, अवयव बराबर हो। तो इसलिए आप लिख सकते हो इक्वेशन वन एंड टू ए बराबर बी, ये आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सात को देख सकते हैं, कह रहा है कि किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी बराबर व्हाट ये है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ये आपको इसमें उत्तर का औचित्य बताना है कि ये जो आपको दिया गया है यह जो है कि सही है, मतलब सत्य है कि असत्य है। नंबर सात को आपने देख लिया है, इनका जो होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए आपको दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी बराबर व्हाट। अब क्वेश्चन नंबर सात देखिए, यहां पर है कि गिवन जो आपके सवाल में है पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी बराबर व्हाट, क्या ये सही होगा, क्लियरेशन करना है, औचित्य इनका देना है। तो चलिए यहां पर हम लेट कर लेते हैं, एल ई टी लेट, मतलब होता है माना कि, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो माना कि। एक सेट मान लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट है आपको एक है और दो अवयव है, इसमें दो अवयव हैं। उसके पश्चात एक सेट हम ले लेते हैं बी, इसमें जो अवयव हैं दो हैं और क्या है तीन हैं। अब देखिए सेट ए का पावर सेट लिखना है, जैसे यहां पर पी ए है तो मतलब पावर सेट ऑफ ए, तो ए का पावर सेट कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हम पी ए लिख लिए, लिखने के पश्चात ऐसे मिडल ब्रैकेट देंगे। अब फाइ देखिए, पावर सेट लिखिए तो फाइ सभी सेट में रखिए, ये नियम ही है, क्योंकि फाइ जो होता है सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फिर इसमें देखिए अवयव क्या है, एक है तो बारी बारी से ऐसे लिखना है एक, फिर ये दो है तो ऐसे दो लिख देना है, लिख दिए, फिर कोमा देना है। अब देखिए और लिखने के लिए तो नहीं बचा है, नहीं बचा है, तो अब जो सेट बचा उसी को हम लिख देते हैं, वन टू ऐसे हम लिख दिए, लिख दिए। लिखने के पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बी का पावर सेट लिखना है, तो यहाँ पर हम पावर सेट बी, अब देखिए इसमें क्या देंगे, फाइव देंगे, फिर कोमा देंगे, और ये जो दो है तो यहाँ पर आप दो लिख दीजिए, फिर ये तीन है तो यहाँ पर आप तीन लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए दो तीन लिख चुके हैं, अब तो नहीं बचा है तो दो और तीन को लिख दीजिए, लिख दिए। अब आपको करना क्या है कि पी ए यूनियन पी बी है, पी ए यूनियन पी बी, तो पी ए यूनियन ऐसे पी बी लिख दिए। लिखने के पश्चात अब देखिए ये जो यूनियन होता है, इनका हिंदी होता है सम्मिलन, सम्मिलन मतलब मिलन, यानी पी ए और पी बी के अवयव को आप क्या करेंगे, मिला देंगे, तो मिलाइए। फाइ है तो यहाँ पर फाइ लिख देंगे, एक है तो यहाँ पर आप एक लिख देंगे, दो है तो यहाँ पर आप दो लिख देंगे, फिर एक दो है तो यहाँ पर एक दो लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए फाइव भी यहाँ पर लिख चुके हैं, दो भी लिख चुके हैं, अब तीन देखिए तीन नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर तीन भी लिख देंगे। उसके बाद दो तीन, तो देखिए दो तीन भी नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर आप दो तीन लिख देंगे, लिख दिए। लिखने के पश्चात इनको समीकरण एक मान लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आए क्या कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी है तो यहाँ पर आप करेंगे क्या कि ए यूनियन बी, यानी सेट ए और बी दोनों को आपस में मिला दीजिए। एक दो है तो यहाँ पर एक दो लिखिए ही, दो भी ले लिए हैं, ये क्या बचा है तीन, तो यहाँ पर तीन लिख देंगे, लिख लिए। अब इनका पावर सेट लिखना है, तो पी ए यूनियन बी यानी पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो देखिए तो किसी भी सेट का हम पावर सेट लिखते हैं तो पहले क्या देते हैं, फाइव देते हैं, फिर देखिए एक है तो एक लिखेंगे, उसके बाद दो है तो यहाँ पर आप दो लिखेंगे, फिर तीन है तो यहाँ पर आपको तीन लिख देना है,
यानी आप कितने संभव तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे पावर सेट में कितने अवयव होंगे, तो इसके लिए भी एक नियम है। हमने जब पावर सेट पढ़ाया है तो उसमें हम फॉर्मूले को लिख दिए हैं। जैसे एक दो तीन अवयव हैं तो दो पर पावर तीन कितना होता है, आठ होता है। तो इसके सेट में, पावर सेट के सेट में अवयवों की संख्या आठ होंगे, तो एक दो तीन चार हो चुका है, चार अवयव और होंगे। देखिए अब बारी बारी से सभी अवयव को ले चुके हैं, तो हम अब देखिए फिर कैसे ले सकते हैं, एक दो को साथ ले सकते हैं, यहाँ पर एक दो लिख देंगे। फिर देखिए दो तीन को साथ ले सकते हैं, यहाँ पर आप दो तीन लिख देंगे। उसके बाद देखिए, तो एक दो दो तीन लिख चुके हैं, फिर किस तरह से लिख सकते हैं, एक तीन को भी तो साथ ले सकते हैं, तो एक तीन को साथ ले लिए। अब देखिए और किसी को एक साथ रख सकते हैं, अब सभी तरीका को हमने ले लिया है, इसलिए आप और किसी तरह से नहीं रख सकते हैं। अब ये सेट बचा, जब आप सभी तरीका से लिख ले, फिर लिखने के और तरीके नहीं बचे, तो जो सेट रहे उनको हम रख देते हैं। तो यहाँ पर एक दो तीन रख दिए। अब देखिए ऐसा नहीं सोचना है कि दो एक भी हम लिख सकते हैं, एक दो का ही मतलब हुआ दो एक, सेट में इधर उधर रे एलिमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको समीकरण दो मान लीजिए, दो मान लीजिए। अब देखिए समीकरण एक समीकरण दो, तो समीकरण एक का ये मान हुआ और दो का ये मान हुआ। देखिए फाइव मिल गया, एक मिल गया, दो मिल गया, उसके बाद देखिए तीन भी मिल गया, एक दो भी मिल गया, उसके बाद दो तीन भी मिल गया, उसके बाद देखिए एक तीन, तो एक तीन नहीं मिला, एक दो तीन ये भी नहीं मिला, इसलिए ये और ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू, पी ए यूनियन पी बी डज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। तो ये जो था बराबर होगा, तो वाट दिया था, तो बराबर नहीं होगा, नहीं, नो कर देना है। तो यहां तक सात नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आठ देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है कि किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको इस, देखिए एक बराबर यह मान होता है, तो हम सिद्ध करेंगे आरएचएस से, आरएचएस से हम ए को पुरा देंगे। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है, ए यूनियन बी माइनस ए बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी, इनको भी सिद्ध करना है। तो चलिए इन दोनों को हम सिद्ध कर लेते हैं। देखिए ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, और जितना भी ज्वाइल सब सवाल रहता है इसी एक्सरसाइज में रहता है, तो एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो दो बार तीन बार वीडियो को देखिए। मेरा कंटेंट फ्री है, इसलिए अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर करें, ताकि अन्य छात्र भी लाभ ले सके। और प्लेलिस्ट को तो जरूर चेक कीजिए, वहां पर आपको सीरियली वीडियो मिलेगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ में है ए बराबर, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए माइनस बी ये है। तो यहां पर आपको लिखना है प्रूफ, प्रूफ। अब देखिए तो करना है आपको क्या, प्रूफ में आरएचएस, आरएचएस इन, ये आरएचएस है, इनको हम लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन है, ये इसे यूनियन कर देना है, ए माइनस बी लिख लिए। अब यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, इसी का फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी पूरक, ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी पूरक, ये होता है। अब देखिए अब ये इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है, तो इनको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए ऑपरेट जो है बी के साथ हुआ है, और ए ऑपरेट जो है एक बार बी पूरक के साथ ऑपरेट हुआ है, तो इनको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये यूनियन कहाँ पर है, बीच में है, ये यूनियन आपको बीच में है, इधर भी है, तो ए, अब देखिए इंटरसेक्शन, एक बात इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन देना है, और ये क्या है बी है, तो यहां पर बी देना है,
बी दे दिए। अब देखिए ये यूनियन है तो ये बीच में यूनियन देंगे और यहां पर बी पूरक देंगे, दे दिए हैं। यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन अब बी यूनियन बी पूरक बराबर होता है एस होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ये फॉर्मूला होता है। चूंकि मैं लिख दीजिए कि बी यूनियन बी पूरक बराबर एस, अब देखिए ए इंटरसेक्शन एस बराबर ए होता है, ये फॉर्मूला होता है, ए इंटरसेक्शन एस बराबर ए, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसलिए इसका मान क्या हो गया ए, और यही साबित करना था, ये आपको क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इन आठ का एक था, अब आठ का दो जो सवाल है, दूसरा सवाल ये कह रहा है आपको कि ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये है। चलिए इनको प्रूफ करते हैं, यहाँ पर प्रूफ लिख देना है। लिखने के पश्चात ये एलएचएस है तो एलएचएस हम लिख देंगे, एलएचएस लिख दिए। अब देखिए ए यूनियन बी माइनस ए है तो यहाँ पर ए लिखिए, ये यूनियन है यूनियन दीजिए। अब बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए पूरक, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी पूरक, यानी जो घटता है वो इंटरसेक्शन के साथ उस पर पूरक का चिन्ह लग जाता है। तो ए घट रहा है तो इंटरसेक्शन के साथ ए पर पूरक चिन्ह लग जाएगा, ये हो गया। अब देखिए तो ए यूनियन बी है, अब बारी बारी से इसको जो है कि एक्सपेंड कर दीजिए, कैसे करेंगे, एक बार ए जो है बी के साथ ऑपरेट होगा तो लिखा जाएगा ए यूनियन यूनियन, ये बी है तो यहाँ पर आप बी लिखिए। फिर देखिए बीच में इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन देना है, फिर ए जो है ए पूरक के साथ ऑपरेट होगा तो ए यूनियन ए पूरक, ये हो गया। होने के पश्चात देखिए ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी लिख दिए, लिखने के बाद इंटरसेक्शन दीजिए। अब ए यूनियन ए पूरक बराबर होता है आपको एस, ये एस होता है तो फॉर्मूला यहाँ पर चूंकि मैं लिख दीजिए कि ए ए यूनियन ए पूरक बराबर एस, ऐसे लिख दिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एस। अब देखिए इनका क्या होगा मान, अब ए यूनियन बी और एस के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको ए यूनियन बी ही प्राप्त होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। यहाँ पर चूंकि मैं लिख दीजिए कि ए यूनियन बी, इसलिए देखिए सभी प्रॉपर्टी हम करा दिए हैं, जो भी छात्र नहीं देखे हैं प्रॉपर्टी को तो निश्चित रूप से देख लीजिए, इनका मान होता है ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए इसके बदले में क्या होगा इतना होगा। तो ये आपको क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कह रहा है कि समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है, समुच्चयों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध करना है। चलिए हम प्रयोग कर देते हैं गुणधर्म का। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 के एक में है कि ए यूनियन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए बराबर ए, यहां पर आपको प्रूफ लिखना है, ऐसे प्रूफ लिख दिए। लिखने के पश्चात ये आप एलएचएस को ले लेंगे, एलएचएस एलएचएस ले लिए। अब आपको करना क्या है, ए यूनियन है ए, इनको आप एक्सपेंड कर दीजिए, पहले सवाल को ही लिख लेते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिख लिए। लिखने के बाद देखिए ए यूनियन ए यानी ए जो है एक बार एक साथ ऑपरेट होगा तो ए यूनियन ए हो गया। फिर ई बीच में देखिए इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन दे देना है, फिर ए ए यूनियन ए यूनियन ये बी है तो यहाँ पर आप बी लिख देंगे, बी लिख दिए। लिखने के पश्चात अब यहाँ पर देखिए
ए यूनियन ए बराबर आपको ए होता है, ए यूनियन ए बराबर आपको ए ही होता है, ए हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए ए और बी को मिला देंगे, ए और बी को आप क्या करेंगे मिला देंगे और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको ए ही प्राप्त होगा क्योंकि ए जो है बी में मिल रहा है। अब फिर ए को छांट के हम निकाल रहे हैं, देखिए ए और बी को हम मिला रहे हैं, ऐसे सोचिए ए और बी को हम जोड़ रहे हैं, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देखिए ये जो इंटरसेक्शन होता है ये समझिए कि छांट के निकालते हैं उसमें भी, यानी कॉमन एलिमेंट का सेट होता है। तो ए में ए जो है बी में मिला हुआ है ही, अब फिर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए ही ना आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा ए। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा दें, जैसे देखिए जैसे ए है इसमें एक एलिमेंट है, एक सेट बी है इसमें एक दो है। अब आपको करना क्या है कि ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी का अर्थ हो गया कि ए और बी को मिला दीजिए, तो इसमें एक दो अवयव हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में देखेंगे तो ए कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट का सेट होता है, तो एक है यहां पर भी एक है, इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा एक ही आएगा, ये एक आएगा, तो इसलिए जो है ए जो है किसके बराबर होगा ए के बराबर, देखिए ये ए के बराबर होगा, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। ये आपको क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यही आपको सिद्ध कर। क्वेश्चन नंबर 9 का दो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का दो कह रहा है, इनका जो सवाल है इनको हम लिख लेते हैं। ये है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, यहाँ पर आपको प्रूफ लिखना है, प्रूफ लिख दिए। लिखने के पश्चात यहाँ पर LHS लिखेंगे, LHS लिख दिए। लिखने के बाद देखिए ये जो मान है यहाँ पर लिख देंगे A इंटरसेक्शन A यूनियन B, लिख दिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज के अनुसार इसको हम एक्सपेंड करेंगे, A जो है A के साथ ऑपरेट होगा, देखिए A इंटरसेक्शन A यहाँ पर लिख देंगे, A इंटरसेक्शन A लिख दिए, ऐसे घेर दीजिए, बीच में U है तो इसे U दे देना है। फिर देखिए ए जो है बी के साथ ऑपरेट होगा तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिख दिए। लिखने के बाद देखिए ए इंटरसेक्शन ए का मान आपको ए होता है, ये लिख दिए, ये यूनियन है तो यहाँ पर आप यूनियन देंगे, ए इंटरसेक्शन बी है तो ये ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर आप चूंकि में लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये आप लिखेंगे। अब देखिए तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे और ए के साथ यूनियन करेंगे तो आपको ए ही प्राप्त होगा, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है ये ही होता है, गुणधर्म जब आप देखे होंगे तो वहां पर हमने बता दिया था इतना के बराबर क्या होगा ए होगा, तो ये आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कि दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है, ये चीज आपको दिखलाना है। चलिए इसके लिए हम एग्जांपल लेके इनको हम जो है कि दिखलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 10 हो गया, प्रश्न संख्या 10, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और यहाँ पर प्रत्येक स्टेप को उतारते जाइए। तो आपको है क्या दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पर गिवन कर देना है, गिवन कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। चलिए लेट मतलब क्या होता है, माना कि ए बराबर मान लेते हैं हम वन मान लिए। अब देखिए बी बराबर हम मान लेते हैं वन टू मान लिए। मानने के पश्चात अब यहां पर देखिए सी बराबर हम मान लेते हैं सी बराबर 1 3, ये मान लिए। ए इंटरसेक्शन बी है तो
ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए और बी में देखिए कॉमन कौन है, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन, तो एक ए में भी है एक बी में भी है, एक आ गया, ये समीकरण आपको एक हो गया। फिर देखिए ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए में एक है और सी में भी एक है, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट का सेट, एक आ गया, ये क्या हो गया दो। देखिए इक्वेशन वन एंड टू, एक एवं दो से क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में भी एक है, ए इंटरसेक्शन सी में भी एक है, इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर है। बट लेकिन यहां पर देखिए क्या बी और सी आपस में बराबर है, बी में एक है तो सी में एक मिल गया, लेकिन बी में दो है तो सी में दो मिला, तो इसलिए बी बराबर सी नहीं होगा प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो, तो आप दिखाइए कि बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है, तो हम दिखा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं, यदि किसी समुच्चय एक्स के लिए, समुच्चय एक्स के लिए ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाइव तथा ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। तो आपको दिया है ए इंटरसेक्शन एस बराबर जो है कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाइव और ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, तब आपको सिद्ध करना है ए बराबर बी। चलिए इनको हम सिद्ध कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इनको हम लिख लेते हैं, यहां पर लिखना है सॉल्यूशन दे देते हैं, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया है, तो ये आपको दिया है कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाइव, ये समीकरण एक हो गया। उसके बाद ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, ये समीकरण आपको क्या हो गया दो हो गया, तो समीकरण एक और दो हो गया है, लिख चुके हैं। अब आपको देखिए क्या करना है, इसमें दिखाना है आपको बी ए बराबर बी टू प्रूव, आपको ए बराबर बी यही सो डेट करना है। यहां पर प्रूफ लिख दीजिए, लिखने के पश्चात देखिए पहले ए है, पहले क्या है ए है, देखिए ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन टू, तो फ्रॉम इक्वेशन टू में क्या है ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, जैसे ए यूनियन एक्स ये यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ले लेंगे, बी यूनियन एक्स है यहाँ पर बी यूनियन एक्स लिख देंगे। अब देखिए अब ए एक साथ ऑपरेट होगा तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा ए, बीच में यूनियन है तो यूनियन, फिर देखिए ए जो है एक्स के साथ ऑपरेट होगा तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा एक्स, ये बराबर है तो यहाँ पर बराबर, फिर देखिए ए जो है बी के साथ ऑपरेट होगा ए इंटरसेक्शन क्या होगा बी, ये यूनियन है तो यहाँ पर आप यूनियन देंगे, फिर ए जो है एक्स के साथ ऑपरेट होगा ए इंटरसेक्शन क्या होगा एक्स होगा, हो गया। होने के बाद देखिए ए इंटरसेक्शन ए है तो इसका मान आपको क्या होता है ए होता है, ए होता है, अब ये यूनियन है तो यहाँ पर आप यूनियन देंगे। ए इंटरसेक्शन एक्स तो देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स का मान क्या होता है, ए इंटरसेक्शन एक्स का मान क्या होता है फाइव है, तो इसलिए आप जो है कि ए इंटरसेक्शन एक्स के बदले में क्या देंगे फाइव देंगे, फाइव लिख दिए, ये बराबर है तो यहाँ पर बराबर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ पर आप जो है कि ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रहने देंगे,
फिर देखिए ये यूनियन है तो यहां पर आप यूनियन देंगे, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स, तो देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स का मान क्या होता है, ये फाइ होता है, इसके बदले में आप क्या लिखेंगे, फाइ लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए फाइ में एक भी अवयव नहीं होता है, इसलिए ए यूनियन फाइ करेंगे तो ए का ही अवयव सिर्फ रहेगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में फाइ को ऐड करेंगे तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा, बी ही होगा, या ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। अब ए को इधर लिख लेते हैं, समीकरण आप क्या कीजिए, देखिए एक दो तो पहले ही मान चुके हैं इसलिए इनको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब पुनः देखिए अब आपको क्या है, बी है, तो फिर यही इक्वेशन दो ही लेना है, दो लेंगे इक्वेशन टू, यहां पर लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, ये आपको दिया है, गिव है, आपको दिया है। सिद्ध करना है आपको ए बराबर बी, तो ए का काम हम कर चुके हैं, अब ये बचा बी, तो देखिए पहले आपको क्या लेना है, बी लेना है, बी इंटरसेक्शन, अब ए यूनियन एक्स है ना, तो ए यूनियन एक्स यहां पर लिख दीजिए, ये बराबर है तो यहां पर बराबर, क्योंकि देखिए बी इंटरसेक्शन इसमें पहले ऑपरेट किया है तो इसमें भी पहले ही ऑपरेट करना होगा, यानी जो प्रोसेस इसमें आप करेंगे इसमें भी करेंगे, यानी दो से गुना इसमें करेंगे तो दो से इसमें भी करना होगा, तो यहां तो गुना है नहीं कि दो से कर देंगे, यहां पर इंटरसेक्शन के रूप में ऑपरेट हो रहा है तो वैसे ही आपको ऑपरेट करना है कि यहां पर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स करेंगे, कर दिए। करने के पश्चात यहां पर देखिए जो प्रॉपर्टीज होता है, बी एक बार ए के साथ ऑपरेट होगा तो बी इंटरसेक्शन क्या देंगे, ए देंगे, ये यूनियन है तो यहां पर यूनियन देंगे, फिर देखिए बी एक्स के साथ ऑपरेट होगा तो बी इंटरसेक्शन एक्स लिखेंगे, लिख दिए। लिखने के पश्चात ये बराबर है तो यहां पर आप बराबर देंगे, अब देखिए बी बी के साथ ऑपरेट होगा तो बी इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, बी, लिख दिए। फिर ये यूनियन है तो यहां पर आप यूनियन देंगे, और बी जो है एक्स के साथ ऑपरेट होगा तो बी ये चीन जो है ये देना है, इंटरसेक्शन ये एक्स हो गया। होने के बाद देखिए इनको हम सही से लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए बी इंटरसेक्शन एक्स है, ये यूनियन है तो यहां पर आप यूनियन देंगे, और बी इंटरसेक्शन एक्स का मान क्या है, फाइव है, ये आपको सवाल में दिया है, देखिए बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या है, फाइव है। उसके बाद देखिए B इंटरसेक्शन B, यानी B और B का जब इंटरसेक्शन होगा तो वह B के ही बराबर होता है, B के ही बराबर होता है। अब यहां पर देखिए ये यूनियन है, यहां पर आप देंगे यूनियन, यूनियन दे दिए। अब B इंटरसेक्शन X का मान होता है फाइव होता है, फाइव लिख देना है। उसके बाद देखिए कि A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में आप क्या करेंगे, फाइव ऐड करेंगे, तो फाइव में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए आपको यहां पर क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी ही बचेगा, और ये बराबर है तो यहां पर आप बराबर दीजिए। बी यूनियन फाइव करेंगे तो फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इसलिए आपको क्या रह जाएगा, बी ही रह जाएगा, ये समीकरण आपको क्या हो गया, दो हो गया। यहां पर आप चूंकि में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए कि बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाइव, इसलिए ऐसा हम लिखे हैं। तो अब देखिए समीकरण ये आपको चार हो गया, दो नहीं करना है, ये तीन है तो ये आपको चार हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको क्या हुआ, ए हुआ। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको क्या हो गया, बी, तो ये मान और ये मान आपस में बराबर है तो इसलिए ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन वन एंड वन नहीं, ये थर्ड है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर, थर्ड एंड फोर, ए बराबर बी, ये आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ऐसे समूच ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी और रिक्त समूच हो तथा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो, 5 हो। आपको देना है तो हम मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं लेट ए, सेट ए बराबर 1 2 सेट, उसके बाद बी बराबर आपको 2 3 हो गया, उसके बाद सी बराबर आपको हो गया 1 3, ऐसे हम मान लिए। तो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन हम बी निकालेंगे, तो देखिए ए और बी में देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो क्या आ गया 2, तो ये आपको क्या हो गया, अरिक्त हो गया, अरिक्त। फिर देखिए बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में देखिए 3 है और सी में भी देखिए क्या है, 3 है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 3। देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन अवयव यानी कॉमन एलिमेंट का सेट होता है, तो कॉमन मतलब दोनों में हो, जैसे बी में भी 3 है और सी में भी 3 है, ये भी आपको क्या हो गया, अरिक्त हो गया, अरिक्त। उसके पश्चात ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी ये है, तो देखिए ए और सी में देखिए ए में 1 है और सी में भी 1 है, तो इसमें क्या आ गया, 1, क्योंकि 2 इसमें नहीं है तो इसलिए 2 नहीं आएगा, तो ये भी आपको क्या हो गया, अरिक्त समूच, नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त हो गया। अब तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब तीनों में देखिए कोई अवयव कॉमन है, जैसे 1 है तो 1 इसमें भी मिलना चाहिए, 1 इसमें भी मिलना चाहिए, तो ए और सी में तो 1 है लेकिन बी में नहीं है, तो इसलिए आप 1 नहीं लिख सकते हैं, इसमें आप 1 नहीं लिख सकते हैं। फिर देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें मिल गया लेकिन सी में नहीं मिला, तो 2 भी आप नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 जो है कि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लिख सकते हैं, तो ये सेट आपको खाली रह गया, इनको हम क्या लिखते हैं, 5। बस यही आपको दिखाना था जो हम दिखा दिए। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आप इनको पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा कि किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 150 विद्यार्थी जो है वह चाय और 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी पीते हैं। ये चीज आपको ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी पीते हैं, ये चीज आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं, तो 600 विद्यार्थी है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, इन चीज को पहले जानिए, 600 विद्यार्थी यानी आपको जो है कुल 600 विद्यार्थी हैं समूह में, तो ये आपका मान हुआ NS का मान हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है, यहाँ पर गिवन लिखना है, गिवन NS बराबर 600 आपको दिया है विद्यार्थी है, जिसमें जो है कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, तो NT से क्या हो गया, टी मतलब क्या हो गया, चाय, तो ये चाय पीने वाले की जो संख्या है वो आपको 150 है। उसके बाद 225 विद्यार्थी कॉफी, तो NC ये 225 विद्यार्थी क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो चाय और कॉफी दोनों, जैसे दोनों शब्द लग गया तो इंटरसेक्शन हो जाता है, यानी टी इंटरसेक्शन सी में आपको कितने स्टूडेंट हो गए, 100 स्टूडेंट हो गए हैं, न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी पीते हैं, तो यहां पर आपको जो निकालना है, ये आपको निकालना है टी पूरक इंटरसेक्शन सी पूरक, यानी टी पूरक मतलब हो गया टी नहीं, सी पूरक मतलब हो गया सी नहीं, यानी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं, यही चीज आपको निकालना है। अब देखिए इनका फॉर्मूला क्या होगा,
पहले इनसे पहले जो एक फॉर्मूला होता है उनको जान लेते हैं, फिर इस के आधार पर हम बैठा देंगे, इसको हम उस आधार पर बैठा देंगे। तो एन ये होता है ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी होल पूरक। अब देखिए ये पूरक को हटाना है, इस पूरक को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनएस में से घटाना होगा, एनएस में से घटाना होगा। तो एनएस में से जैसे ही घटाएंगे तो ये पूरक हट जाएगा, एन ए यूनियन बी हो जाएगा। हो गया, होने के बाद देखिए ये एनएस है तो यहाँ पर आप एनएस रख दीजिए, ये माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस लिख देंगे। फिर इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है हम बता चुके हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए एन एस है तो यहाँ पर आप एन एस लिख दीजिए, या नहीं तो आप मान बैठा सकते हैं डायरेक्ट एन एस। उसके पश्चात ये माइनस इसमें गुना कर दीजिए, एन ए फिर इस माइनस से इसमें गुना करेंगे, एन बी फिर इस माइनस से इसमें गुना करेंगे, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। अब देखिए ये एन ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक का ये फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पर आपको निकालना है ये चीज, देखिए एक जगह आपको क्या करना है, टी पूरक ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी की जगह आपको कॉपी है यानी सी पूरक। अब आपको ये एन एस जो है ये एन एस तो होगा ही, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे ही, ये एन है एन देंगे ही, तो एक जगह टी है बी की जगह सी है तो एक जगह आप क्या देंगे टी, ये माइनस है यहाँ पर माइनस देंगे, बी की जगह क्या है सी देंगे, ये प्लस है तो प्लस देंगे, ये एन है एन देंगे। अब देखिए एक जगह क्या है टी है इंटरसेक्शन, अब बी की जगह क्या है सी है, दे दिए। देने के पश्चात देखिए एन एस, एन एस तो एन एस का मान आपको क्या है, एन एस का मान आपको 600 है तो यहाँ पर आप क्या देंगे 600 लिखेंगे, ये माइनस है यहाँ पर माइनस देंगे, और एन टी का मान आपको क्या है, एन टी का मान आपको 150 है तो यहाँ पर आप 150 देंगे, ये माइनस है तो माइनस देंगे। एन सी, एन सी तो देखिए एन सी का मान क्या है 225 है तो यहाँ पर आप क्या देंगे 225, ये प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस देंगे, और टी इंटरसेक्शन सी तो देखिए यहाँ पर एन टी इंटरसेक्शन सी का मान क्या है 100 है, आप 100 यहाँ पर दे देंगे, 100 यहाँ पर हम दे दिए। देने के पश्चात देखिए 600 जोड़ 100 क्या हो गया 700 हो गया। अब देखिए 150, अब देखिए माइनस 150 है माइनस 225 है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, तो देख सकते हैं 2 × 1 = 3 हो गया, और 50 × 25 = 75 हो गया 375। अब 700 में से 375 को घटाएंगे तो देखिए 100 में से 75 गया क्या बचा 25 बचा, उसके बाद 6 में से 3 गया 3 यानी 325, ये आपको आंसर हो गया। 325 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी पीते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह में, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी और 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, तो विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है, तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, समूह में यानी यूनियन इनका मांग रहा है, यूनियन सिर्फ, तो चलिए यूनियन हम निकाल देते हैं, काफी ये इजी सवाल है। तो इसमें आपको देखिए दिया क्या है, यहाँ पर लिख देना है गिवन, गिवन तो इसमें कह रहा है कि 100 विद्यार्थी हिंदी, तो 100 विद्यार्थी हिंदी तो हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है आपको, वो है 100। उसके बाद अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या 50 है, तो ई से इंग्लिश होता है तो एन ई, ये आपको क्या हो गया 50। और हिंदी और अंग्रेजी जो दोनों भाषाओं को जानते हैं उसकी संख्या है आपको 25, तो हिंदी तो एस से हिंदी हो गया, इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानते हैं। तो देखिए जो दोनों दोनों शब्द का जैसे ही प्रयोग हो तो वहां पर इंटरसेक्शन हो जाता है,
तो इनकी संख्या आपको कितने हैं, 25 है। अब यूनियन आपको निकालना है, निकालना है आपको एच यूनियन ई बराबर वाट, ये निकालना है। इनका देखिए फॉर्मूला क्या होगा, एच यूनियन ई बराबर आपको होगा एन एच, एन एच फिर प्लस एन ई, एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए एन एच मतलब 100, इसका मान 100 है, ये प्लस है तो ये प्लस, एन ई, एन ई देखिए 50 है तो यहाँ पर 50 देंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, और एच इंटरसेक्शन ई का मान 25 है तो यहाँ पर आप क्या देंगे, 25 देंगे। तो 100 जोड़ 50 क्या हो गया, ये 150 हो गया, ये माइनस हो गया, और ये 25 है तो यहाँ पर आप 25 देंगे, तो 150 में से 25 गया तो क्या बचा, 125। तो यानी 125 विद्यार्थी समूह में जो है, 125 विद्यार्थी है जो या तो हिंदी जानता है या तो अंग्रेजी जानता है। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया। अब देखिए क्या पाया गया है, इनको आप जान सकते हैं, 25 लोग समाचार पत्र एच को पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र टी को पढ़ते हैं, फिर 26 लोग समाचार पत्र आई को, 9 लोग एच तथा आई यानी एच इंटरसेक्शन आई में कितने लोग आएंगे, 9, 11 लोग एच तथा टी दोनों को, और 8 लोग टी तथा आई दोनों, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र को पढ़ते हैं, ऐसे हैं। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, पहला है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, दूसरा है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, यह सवाल है आपका। चलिए इनको हम बना लेते हैं तेजी से। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया है इनको हम लिख लेते हैं। तो 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, 60 लोगों का सर्वेक्षण हुआ है, यानी एनएस आपको जो है एनएस आपको दिया गया है 60 लोग सर्वेक्षण में, 25 लोग समाचार पत्र एच, एच समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या कितनी है, 25 है, और 26 लोग समाचार पत्र टी, तो यानी एन टी बराबर आपको 26 दिया है। फिर उसके बाद जो है 26 लोग समाचार पत्र आई, तो एन आई बराबर क्या हो गया आपको, 26। फिर कह रहा है कि 9 लोग एच तथा आई, एच और आई जो है कि 9 लोग पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 11 लोग एच तथा टी, तो 11 लोग जो है, 11 लोग एच और टी दोनों को पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 8 लोग टी तथा आई, तो टी और आई को पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 8। जब दोनों की बात आ जाए तो इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर कह रहा है कि तो तीनों की जब बात आ जाए तो तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा एच इंटरसेक्शन आई, पहले टी है तो पहले टी ही लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन आई, इनकी संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। अब जो इस पर आधारित पहला नंबर का सवाल कह रहा है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, कम से कम, तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, क्या निकालना है, यानी एच यूनियन टी यूनियन आई, ये चीज आपको निकालना है। और इनका फॉर्मूला होता है देखिए एन एच क्या होगा, एन एच प्लस टी है तो एन टी, एन टी अब फिर देखिए आई है तो प्लस एन आई माइनस एन, अब देखिए एच और टी को लेंगे, एच इंटरसेक्शन क्या होगा, टी, एच इंटरसेक्शन टी माइनस, फिर टी इंटरसेक्शन आई को लेंगे, टी इंटरसेक्शन आई माइनस, अब देखिए टी इंटरसेक्शन आई हो गया, एच इंटरसेक्शन टी हो गया,
अब क्या बचा, एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। सबका आप मान बैठा दीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एन एच, तो एन एच का मान क्या है 25 है, तो यहाँ पर आप 25 लिखेंगे प्लस एन टी, एन टी का मान 26 है 26 लिखेंगे प्लस एन आई, एन आई का मान 26 है ये 26 लिखेंगे। लिखने के पश्चात फिर देखिए ये तीनों मान लिखा चुका है, अब एन एच इंटरसेक्शन टी है, तो एच इंटरसेक्शन टी में कितने अवयव हैं 11 देंगे, फिर ये माइनस है यहाँ पर माइनस देंगे, टी इंटरसेक्शन आई, तो टी इंटरसेक्शन आई में कितने अवयव हैं 8 अवयव है 8 देंगे, फिर ये माइनस देंगे, उसके बाद एच इंटरसेक्शन आई, तो एच इंटरसेक्शन आई में कितने अवयव है 9 है, तो यहाँ पर आप 9 देंगे। होने के पश्चात ये प्लस है, यहाँ पर आप प्लस देंगे। अब देखिए एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई में 3 अवयव है, तो यहाँ पर आप 3 देंगे। तो देखिए 26 26 52 25 77 3 क्या हो गया 80, यहाँ पर 80 लिख देंगे माइनस, तो 11 8 19 11 8 19 9 क्या हो गया 28, तो यहाँ पर 28 देंगे, तो 80 में से 28 गया क्या बचा 52, ये आपको क्या हो गया आंसर। अब जो इनका दूसरा नंबर का सवाल है, कह रहा है कि ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, तो ठीक केवल एक दिया रहे तो इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हम आपको लिखा देते हैं। तो इनके लिए देखिए जब दिया रहे कि ठीक ठीक केवल एक, तो ठीक ठीक केवल एक कोई भी पत्र हो पढ़ने वाले की संख्या अगर निकालना हो तो इनके लिए फॉर्मूला आपको होता है, वो होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए तो यहाँ पर आपको एक जगह ए बी सी की जगह क्या है एच टी और आई है, एच टी और आई समाचार पत्र, तो एच देंगे प्लस देंगे, उसके बाद टी देंगे प्लस देंगे, सी की जगह आई है तो आई देंगे, ये माइनस है तो माइनस देंगे, ये 2 है, उसके बाद एक जगह एच है तो एच देंगे इंटरसेक्शन, बी की जगह क्या है तो टी देंगे माइनस 2n, अब बी की जगह देख सकते हैं टी है तो टी देंगे इंटरसेक्शन, सी की जगह क्या है आई है समाचार पत्र आई देंगे, तुलना करेंगे कंपेयर कर रहे हैं, फिर ये माइनस ये होगा, ये 2 है न है तो 2n देंगे, और सी सी की जगह आपको क्या है आई आई देंगे इंटरसेक्शन, और ए की जगह आपको क्या होगा एच होगा, होने के बाद प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, यानी H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये चीज हुआ। होने के बाद देखिए NH NH, तो NH का मान आपको जो दिया है आप सवाल के ऊपर में देख चुके हैं 25 है, उसके बाद NT का मान 26 है, फिर NI का मान 26 है। अब देखिए 2N H इंटरसेक्शन T, तो H इंटरसेक्शन T इनका मान 11 है, 11 से 2 में गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, ये माइनस है माइनस, और टी इंटरसेक्शन आई का मान जो है आपको 8 है, तो 8 गुना 2 क्या हो गया 16 हो गया, ये माइनस है तो ये यहाँ पर आप माइनस देंगे। अब देखिए तो ये 2 और आई इंटरसेक्शन एच, तो इनका मान आपको 9 है, तो 9 दूनी क्या हो गया 18, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे, और एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इनका मान आपको 3 है, ये इनका मान आपको 3 है, और इस 3 से गुना करेंगे 3 दिया क्या हो गया 9, तो 26 26 52 25 52 25 आपको हो गया 77, और 9 क्या हो गया 86। अब देखिए 22 18 40 16 क्या हो गया ये 56 हो गया, 86 में से 56 गया कितना बचा ये 30 हुआ, ये इनका आंसर हो गया। देखिए फॉर्मूला को आप याद रखिए,
ये सभी सवाल फॉर्मूले पर ही बैठ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इनको आप पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है यह कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि किस लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं, 14 लोग जो है कि ए तथा बी, 12 लोग जो है कि सी तथा ए, और 14 लोग जो है कि बी तथा सी, और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, केवल सी को पसंद करने वाले की संख्या हमको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको हम फिगर के द्वारा भी समझा देते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखना है गिवन जो आपको दिया है। तो पहले 21 लोग यानी ए को पसंद करने वाले की संख्या है आपको 21 है, और 26 लोग बी को पसंद करते हैं, तो बी को पसंद करने वाले की संख्या क्या है, 26 है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर दिया है सी को पसंद करते हैं यानी 29 लोग, तो सी को पसंद करने वाले की संख्या कितनी है, 29 है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 लोग ए तथा बी, ए और बी को जो पसंद करते हैं उसकी संख्या आपको है ये 14 है। उसके बाद बारह लोग सी तथा ए को पसंद करते हैं, तो सी और ए को पसंद करने वाले की संख्या 12 है। उसके पश्चात है बी और सी को 14 लोग पसंद करते हैं, इनकी संख्या आपको हो गया बी और सी है 14। उसके बाद तीनों को जो पसंद करते हैं 8 लोग करते हैं, यानी ए को भी पसंद करते हैं, बी को भी करते हैं और सी को, 8 आदमी पसंद करते हैं। अब देखिए तो एक सेट आप यहां पर ए ले लेंगे, ले लिए, एक सेट आप यहां पर बी ले लेंगे, एक सेट यहां पर हम सी ले लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए को 21 लोग पसंद करता है, बी को 26 करता है और सी को 29 लोग करते हैं। देखिए समझाने के लिए है, और देखिए तीनों में कॉमन क्या है, ये ना है, तो इसको 8 लोग पसंद करते हैं। अब देखिए ए और बी तो ए और बी को 14 लोग पसंद करते हैं, तो 8 इसमें हुई गया, तो ए और बी में ये पार्ट आएगा, तो इसमें कितने आदमी रहेंगे, 8 और 6 14। उसके बाद देखिए ये पार्ट जो हो गया, ये आपको हो गया बी और सी का, 8 इसमें हो गया, 8 जब इसमें हो गया तो देखिए बी और सी को कितने पसंद करते हैं, तो बी और सी को 14 लोग पसंद करते हैं, तो इसमें भी आपको 8 6 6 होगा। उसके बाद देखिए ये पार्ट जो हो गया, ये पार्ट में आप देख सकते हैं ये आपको ए और सी का पार्ट हुआ, तो ए और सी को जो देखिए ए और सी को 12 लोग पसंद करते हैं, तो 8 इसमें हो गया, तो 4 लोग इसको पसंद करेंगे। तो इसमें आपको कह रहा है कि केवल सी को पसंद करने वाले की संख्या, केवल सी को पसंद करने वाले की संख्या। तो इनका जो फॉर्मूला होगा आपको केवल सी को पसंद करने वाले की संख्या को तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर होगा एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए एन सी का जो मान है वो आपको कितना है, एन सी का मान 29 है, यहाँ पर आप देंगे 29, ये माइनस है तो माइनस देंगे। ए इंटरसेक्शन सी,
तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी का मान क्या है 12, तो यहाँ पर आप क्या देंगे 12 देंगे। ये माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस देंगे। उसके बाद देखिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या है 14 है, ये दे दिए। ये प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस देंगे। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए इनका मान 8 है तो यहाँ पर आप 8 दे देंगे। 29 8 क्या हो गया, ये 37 हो गया, और 12 और 14 क्या हो गया 26 हो गया। तो 37 में से 26 गया क्या बचा 11। तो 11 आदमी जो है केवल उत्पाद सी को ही पसंद करता है, ये आंसर हो गया। अब देखिए इनको सी उत्पाद को पसंद करने वाले की संख्या कितने हैं, 29 है, 29 हो गए ना। अब देखिए तो 29 हो गए हैं तो इसको जोड़िए 8 4 12 6 18। तो ये तो देखिए 8 हो गया ये तीनों का पार्ट, 4 हो गया ए भी पसंद करते हैं, 6 हो गया बी भी पसंद करते हैं, तो केवल सी ना आपको निकालना है। तो 8 6 14 4 क्या हो गया 18, तो 29 में से 18 घटा देंगे फिर भी क्या आएगा 11। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज था ये पूरा हुआ। अगर आप लोग चैप्टर 2 का भी थ्योरी और एक्सरसाइज का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।